विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 10, यहाँ पे तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको विंडो का इमेज चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इमेज का लिंक गूगल ड्राइव का आपको सेंड कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा कि मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी हुई है जिसमें मैंने वेंटॉय सॉफ्टवेयर का यूज किया था, पर उसमें मुझे कुछ मैसेज आए थे उस वीडियो पे कि रूफस से आप कैसे बना सकते हैं मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रूफस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आखिर बूटेबल पेन ड्राइव होती क्या है। बूटेबल पेन ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम को बूट कराने के लिए, ताकि हम उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता, चाहे विंडो एक्सपी हो, 7 हो, 8 हो या 10 हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूं कि मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कि विंडो 7 के अगर हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना, तो उसके लिए हमें एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही विंडो 8 और विंडो 10 के लिए, यानी कि तीन पेन ड्राइव को हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर हम मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, तो हम तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ही पेन ड्राइव में डाल सकते हैं और हमें आसानी हो सकती है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना हो। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आप रूफस जो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको डाउनलोड कर लें, एंटर कर लें, RUFUS सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहली ही वेबसाइट जो है आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन है, लास्ट अपडेटेड यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रूफस 3.18, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं 1.3 MB की है, बड़ी इजीली जो कि डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसको रन कर लें। अब आप अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस नहीं शो हो रही है, तो आप जिस पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल बनाना चाहते हैं उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन ड्राइव जो आ चुकी है। अब यहाँ से आपको एक अपनी जो इमेज है जो आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक ही इमेज है जिसमें विंडो 7, 8 और 10 तीनों हैं। तो आप इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लें, बाकी आपको कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट हो जाएगा आपका पेन ड्राइव का जितना भी डाटा होगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे सेव कर लो पहले ही। अगर आप लोगों के पास विंडो का जो इमेज है जो आप रूफस में यूज़ करेंगे, अगर आप लोगों के पास वो इमेज नहीं है जिसमें विंडो 7, 8 और 10 है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। आपको यूट्यूब ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च कर देना विनय त्रिगुण शर्मा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल देखेंगे, यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा, इसको क्लिक कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं रेड बटन है सब्सक्राइब का, यहाँ पे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया हुआ है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें कि आपको इमेज का लिंक चाहिए, तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा जहाँ से आप मल्टी बूटेबल इमेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव जो है रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो है पूरी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाता है। अब आप इसको क्लोज कर देंगे, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बूटेबल पेन ड्राइव, मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनने के बाद मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ यहाँ पे कि ये वर्क करती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से जब भी आपको फॉर्मेट करना है अपना सिस्टम, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको नेक्स्ट करना, इंस्टॉल कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 10, यहाँ पे तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में।
तो फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको विंडो का इमेज चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इमेज का लिंक गूगल ड्राइव का आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।